हे क्रिप्टो बड़ी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेयर वर्सेस प्लेयर वॉर गेम के बारे में, जिस गेम को आप पीसी के साथ साथ मोबाइल पर भी खेल सकते हैं, वो भी सीधा अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और उसको खेलने के साथ साथ यहाँ पर आप अर्निंग भी कर सकते हो उनके खुद के नेटिव टोकन में। वैसे तो अगर हम बात करते हैं प्ले टू अर्न की, तो प्लेयर वर्सेस प्लेयर काफ़ी कम गेम है। जितने भी प्ले टू अर्न प्लेटफॉर्म्स आए हैं वो काफ़ी थोड़े समय के लिए चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय नहीं चल पाते। उसके पीछे का कारण ये है कि वो गेम इतना बोरिंग हो जाता है एक समय पर आकर, क्योंकि वो एक ही स्टेज पर आप एक दूसरे को मारते रहते हैं, चाहे वो मेटा गियर हो या एक्जी इन्फिनिटी हो, तो वो थोड़ा सा बोरिंग सेक्टर हो जाता है एक समय तक, तो लोग वहाँ पर उसको खेलना बंद कर देते हैं। बट जब हम बात करते हैं एक लंबे मैप की, जहाँ पर आप एक मैप से दूसरे मैप पर जाते हैं और अपने एक दुश्मन को मारने के लिए आपको दूसरी ओर जाना पड़ता है, और उसको मारते ही आपको वहाँ पर रिवॉर्ड मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो गेम एज अ स्टेज वाइज यहाँ पर बेनिफिशियल हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मैजिक क्राफ्ट प्ले टू अर्न प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका अभी बीटा टेस्टिंग लॉन्च होने वाला है। अगर आप इसके बीटा टेस्टिंग पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इनके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इनके खुद के मैजिक क्राफ्ट टोकन है या फिर इनकी खुद की मैजिक क्राफ्ट NFTs है। इनके अगर मैं टोकन की बात करता हूँ, तो टोकन आपको इनका कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको दोनों पर देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभी की मैं प्राइस की बात करता हूँ तो 0.00824 इसका प्राइस यहाँ पर चल रहा है। अगर हम मैजिक क्राफ्ट के प्राइस को 1 month और 3 month में देखते हैं तो आप देखेंगे प्राइस पंप होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, बट ऑल ओवर अगर आप जाते हैं तो प्राइस अंडर वैल्यू है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लंबे समय के लिए 2023 तक खरीद सकते हो, लाइक जैसे ही इनकी गेम लॉन्च हो जाएगी तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, क्योंकि इनकी जो गेम है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है, और इनकी जो टीम है बैकएंड में वो भी यहाँ पर लगा सकते हो कि 70% यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जो कि इस प्रोजेक्ट को पंप करने में मदद कर सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गेम किस तरह से यहाँ पर रहने वाली है। गेम यहाँ पर एक ही मैप पर स्टिल नहीं है, यहाँ पर गेम काफ़ी लंबी है। यहाँ पर अलग अलग मैप पर आप जाएंगे, अपने मेटामास और ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज वे से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और एक कैसल से दूसरे कैसल, एक मैप से दूसरे मैप, यानी कि मैप काफ़ी बड़ा रहने वाला है, जाकर आप फाइट कर सकते हैं। जो गेम है वो PC और मोबाइल दोनों पर रहने वाली है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं और दोस्तों के खिलाफ भी खेल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके दोस्त क्या चाहते हैं। मिलकर खेलोगे तो रिवॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा मिल जाता है। अपना जो आपका यहाँ पर NFTs होंगी, जो आपके करेक्टर होंगे, उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो, उससे आपकी पावर भी बढ़ेगी, और साथ के साथ यहाँ पर आपके जो वेपन्स हैं, जितने स्ट्रॉन्ग वेपन्स लेंगे उतने ही जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उतने ही टोकन यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो जैसे कि आप इनकी वेपन्स देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, और सबकी पावर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, और जो कैसल रहेंगे वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहने वाले हैं, वो आपको खुद बिल्ड करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप बिल्ड करेंगे वैसे आप यहाँ पर फाइट कर पाएंगे। और जो मैप है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि काफ़ी लंबा मैप है, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पर खड़े होकर आपस में लड़ रहे हैं, तो अलग अलग मैप में जाकर आप अलग अलग लैंड्स में लड़ेंगे, जैसे राजा महाराजाओं की फाइट होती थी कुछ उस तरह से। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि इनके गेम का जो बीटा टेस्टिंग चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कैसे लें, क्योंकि यहाँ पर जो बीटा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट लेगा उसको यहाँ पर टेस्ट टोकन मिलेंगे, जिसको वो बाद में क्लेम भी कर सकते हैं एज अ एयर ड्रॉप के रूप में, और जो इनका मेन नेट आएगा तो उसका तो अलग बेनिफिट मिलेगा ही, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली क्या है, यहाँ पर आपका नाम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, और BSC वॉलेट चाहिए, जो आपका Binance स्मार्ट चैन का, ठीक है, आपका ट्रस्ट वॉलेट का चल जाएगा, आपका मेटामास का चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि आपके पास खुद की NFTs होनी चाहिए या इनके MCRT टोकन होने चाहिए। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि इनके टोकन हम कहाँ से लें, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो टोकन है वो आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी मिल जाते हैं, MC ग्लोबल पर भी और पैनकेक पर भी। बट यहाँ पर बात आती है कि आप चाहते हो कि मैं गेम को खेलना चाहता हूँ या इसके बीटा टेस्टिंग पर जाना चाहता हूँ, तो डिसेंट्रलाइज से ले लो तो वो थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। वैसे आप MMXC से लेकर BSC चैन पर भी भेज सकते हो, बट फीस थोड़ी सी लग जाएगी, फिर इस चक्कर में पसूड़ी में क्यों पड़ना, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप इसको खरीद सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी टोकन खरीदते हैं, तो अपनी सूझबूझ से करिएगा, क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है, मेरा अलग है, तो दैट्स व्हाई, ठीक है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है।
उसको यहाँ पर आपने ट्रेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेड पर क्लिक करोगे तो आपको अपने आप ये अपना MCRT टोकन पर ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करना है, ठीक है। आपके पास BNB हैं तो BNB के थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टोकन आ जाएंगे, देन आपने सिंपली स्वैप करना है और टोकन आपके वॉलेट में आ जाएंगे। अगर बाई चांस ये आपका नहीं खुलता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। PancakeSwap.finance पर गए, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है कॉइन मार्केट कैप में और यहाँ पर आपने क्लिक करना है मोर पे और बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो एड्रेस है वो यहाँ पर कॉपी कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है इनके टोकन पे, जो सेकंड टोकन होगा, ठीक है, जो भी होगा। ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें आप पेस्ट करोगे तो सिंपली यहाँ पर आपका आ जाएगा, उसको आपने ऐड कर लेना। जैसे कि मैंने तो पहले ही ऐड किया हुआ था, दैट्स वाई आपको वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करता हूँ, जैसे अभी BNB और केक है तो मैं यहाँ पर BNB पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर करूँगा पेस्ट और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे मैजिक राफ टोकन आ गए। अगर आपके फ़ोन में ट्रस्ट वॉलेट है तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। सिंपली आपने कॉइन मार्केट कैप पर गए, जैसे ही नीचे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यही है कि यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटामास्क है उस पर क्लिक करना है, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन को आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो आपने ट्रस्ट वॉलेट पर जाना है। ट्रस्ट वॉलेट पर जाने के बाद यहाँ पर आपने अपने ब्राउज़र पे क्लिक करना है, जो ब्राउज़र होगा जिस पे आप सर्च कर दें उस पे आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने स्वैप पे जाना है, नीचे केक पे यहाँ पर आपने वही पेस्ट कर देना जो मैंने आपको MCRT का वो जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाला था वो डाल देना, या फिर MCRT डालेंगे तब भी आ जाएगा क्योंकि वो पहले से यहाँ पर रजिस्टर्ड है। अगर नहीं आता है देन आप यहाँ पर उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली पेस्ट करेंगे फिर आप अपने BNB या BUSDT जिससे भी लेना चाहते हो उससे ले सकते हो, बट यहाँ पर आपके पास BNB होना ज़रूरी है क्योंकि जो फीस है वो BNB में लगने वाली है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस में लेना चाहते हो। तो सेम वही है, आप अगर मेटामास्क में भी करना चाहते हो तो सेम उसी प्रकार कर सकते हो, बट ईजी वही रहेगा। मैंने जो आपको नीचे लिंक दिया उसके थ्रू करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, तो वो आपकी सहूलियत के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपको उसी से करना है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो और ये हर टोकन के लिए, आप हर किसी के लिए इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आप टोकन को खरीद लेते हैं तो आप उसको स्टेक भी कर सकते हो इनकी इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर, वो भी आपके होल्डिंग में यहाँ पर माने जाएंगे, ठीक है। तो अब बात आते हैं कि स्टेक कैसे करेंगे। तो app.magiccraft.io पर आपने जाना है, तो सिंपली आपने यहाँ पर मैक्स कर देना। अगर आप कम करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो कितने पीरियड के लिए आप स्टेक करना चाहते हो, तो उसका भी यहाँ पर आपको ये बोनस देते हैं। अगर आप 90 दिन के लिए करते हो तो आपको 18% मिलता है, 180 दिन के लिए करते हो तो 40%, अगर आप 5 साल के लिए करते हो तो 500%। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चॉइस करते हो। 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है, तो कम ही समय करो, 90 दिन काफ़ी होते हैं, ठीक है। इतना वैसे 2023 की बात करता हूँ, तभी इनकी गेम लॉन्च होने वाली है, तो आप थोड़ा लंबा समय भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इनकी NFTs को लेना चाहते हो तो मार्केट प्लेस पर जाओगे, तो यहाँ पर मिंटिंग पेज पर जाओगे तो आप इनकी NFTs को ले सकते हो। NFTs पहले इसलिए ले सकते हो कि जैसे इनकी गेम आएगी तब हो सकता है कि वो NFTs आपको वहाँ पर ना मिले। तो अभी जो एक करेक्टर, अगर आप सिर्फ सिंपली एक करेक्टर लेना चाहते हो तो 0.75 BNB का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अगर आप दो करेक्टर लेना चाहते हो 1.5 का, तीन करेक्टर लेना चाहते हो 2.25 BNB का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा करना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो। और साथ के साथ अगर आपको कुछ इनके इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इनके ट्विटर को फॉलो कर सकते हो, और साथ के साथ हमारे ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने भाइयों में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।